hello students today we are going to do question number 7 of exercise 7.1 chapter number 7 coordinate geometry class 10th, mathematics find the point on the x-axis which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9 we need to find point on x-axis we make point nikal 9 and we know on x-axis y coordinate is 0 so राइट फर्स्ट सोल्यूशन ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो वाई कोर्डिनेट इज जीरोट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे हमने क्या पॉइंट मान लेते थे वो वाला कोऑर्डिनेट ए मान लेते हैं कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट है, because X y है। Now, X axis, from, है, एक्सिस पे होता जिसकी इक्वल डिस्टेंस किससे इन दोनों पॉइंट से सपोज करो हमने ये पॉइंट ले लिया यहां पर एक्स एक्सिस पे यहां एक पॉइंट ले लिया सपोज दिस इज ऑन एक्स एक्सिस ये पॉइंट पी हमने ले लिया ए जो डिस्टेंस है दो पॉइंट से इक्वल है मीन्स यहां से टू माइनस फाइव एक और दूसरी माइनस टू नाइन इन दोनों से इसकी डिस्टेंस इक्वल है इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं इस पॉइंट का नाम बी देते हैं मीन्स हमें क्या गिवन है पी ए इक्वल टू पी बी गिवन है सो गिवन पी ए इक्वल टू पीबी इक्वी डिस्टेंट है इक्वी डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है तो पी ए जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं डिस्टेंस <coughs> फॉर्मूला लगा देते हैं तो आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन ए माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस माइनस फाइव में जीरो प्लस फाइव का होल स्क्वायर पीबी डिस्टेंस फॉर्मूला पीबी का लगाते हैं ए प्लस टू का होल स्क्वायर अंडर रूट में एंड जीरो माइनस नाइन का होल स्क्वायर सो क्या रिजल्ट आया हमारे पास ए माइनस टू का होल स्क्वायर ओपन करो स्क्वायर रूट बोथ साइड पहले स्कूरिंग कर देते हैं स्क्वायर से रूट हट जाएंगे स्कवायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाते हैं तो स्क्वायरिंग करने से क्या आया ए माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर कितना हुआ ट्वेंटी फाइव ए प्लस टू का होल स्क्वायर एज इट इज और नाइन का स्क्वायर माइनस नाइन का स्क्वायर कितना हुआ एटी वन इसके बाद आइडेंटिटी अपन ओपन कर लेते हैं सो ए माइनस बी का होल आइडेंटिटी लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी मीन्स फोर ए प्लस फोर प्लस ट्वेंटी फाइव इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस फोर प्लस एटी वन अब जो टर्म्स कट रहे हैं उनको काट देते हैं ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट तो क्या हुआ माइनस फोर ए ट्वेंटी फाइव प्लस फोर ट्वेंटी एटी वन और फोर कितना हुआ एटी फाइव अब इससे क्या रिजल्ट आएगा एक तरफ ले आते वेरिएबल, माइनस फोर ए माइनस फोर ए इक्वल टू एस ट्वेंटी नाइन माइनस फोर ए और माइनस फोर ए कितना हो गया हमारे पास माइनस एट ए माइनस एट ए इक्वल टू सब करते हैं फिफ्टी सिक्स इंप्लाइज ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास फिफ्टी सिक्स बाय माइनस एट यानी कितना आया माइनस सेवन तो ए की वैल्यू आ गई तो हमें क्या निकाला था फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्स पे पॉइंट निकाला था और ए आगे हमारे पास ए ही ए चाहिए था क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास जीरो ऑलरेडी देयरफॉर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पॉइंट क्या आ गया हमारा एक्स एक्सएस पे देयरफॉर हम लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस एक्स एक्सेस पे क्या पॉइंट है हमारा इस माइनस सेवन जीरो ये पॉइंट आ गया एक्स एक्सेस पे हमारा एंड दिस कंप्लीट आवर क्वेश्चन यही हमें लाना था पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस विच इज इक्वी डिस्टेंट और दोनों की डिस्टेंस इक्वल है है सो आई होप यू अंडरस्टूड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो